नमस्कार हेलो, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 62 बिट वर्सेस 32 बिट। तो 32 बिट और 64 बिट सभी को लगता है यार कि अगर आपके पास 64 बिट है तो आप बहुत तेज़ कंप्यूटर चला रहे हैं, अगर आपके पास 32 बिट है तो आप स्लोअर कंप्यूटर चला रहे हैं। ये मिथ है, ऐसा कोई बात नहीं होता है। 64 बिट और 32 बिट बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, जैसे कि स्पीड हो गया, उस स्पीड में भी कितना मतलब बिट्स पर सेकंड, बहुत सारे जगहों पर 32 बिट और 64 बिट यूज होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर में 64 बिट और 32 बिट किसको कहते हैं? तो बेसिकली 32 बिट और 64 बिट जो होता है वो बेसिकली होता है, कैसे समझा उसको, कि अमाउंट ऑफ रैम जो होता है कितना एड्रेस कर सकता है एक बार में। अगर आपके पास 32 बिट है तो आप 3 से 4 GB का जो रैम है आप एक बार में एड्रेस कर सकते हैं, मैक्सिमम उतना लगा सकते हैं 3 से 4 GB। अगर आपके पास 64 बिट है तो आप कितना मिलियन पता नहीं क्या है, लेकिन मिलियंस में जो है आप रैम लगा सकते हैं, जबकि उतना मिलियन ज़रूरी भी नहीं होता है रैम। पहला जो मोबाइल का 64 बिट मोबाइल बना वो है iPhone 6 का 5S। ये पहला स्मार्टफोन है जो जिसके पास 64 बिट आर्किटेक्चर था। तो ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको समझ में आ गया कि बेसिकली यही है कि मतलब कितना ज़्यादा रैम जो है सपोर्ट करता है CPU, यही डिपेंड करता है 64 बिट और 32 बिट। दूसरा बात है कि पहला जो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, AMD लॉन्च किया था 64 बिट प्रोसेसर आज से 10 साल पहले करीब। उसका नाम याद नहीं कौन सा प्रोसेसर था, लेकिन 10 साल पहले लॉन्च किया था कोई प्रोसेसर। तो वो जो प्रोसेसर था वो बेसिकली 64 बिट था। तो उस समय जो है 64 बिट, देखिए 64 बिट प्रोसेसर अगर आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ समय पहले तक विंडोज़ जो है 32 बिट पे रन करता था, 64 बिट वो सपोर्ट ही नहीं करता था। जबकि वो कहने का मतलब वो 64 बिट पे चल तो जाता था लेकिन वो 32 बिट मोड में चलता था, उसमें 64 बिट का एडवांटेज वो नहीं ले पाता था। तो 64 बिट का अगर आपके पास सिस्टम है तो अगर आपका ऐप जो है सो ऑप्टिमाइज नहीं है 64 बिट के लिए तो सिर्फ 32 बिट ही यूज़ करेगा, 64 बिट पूरा का पूरा यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज कह लीजिए वही है, क्या यार डिसएडवांटेज हम भी क्या बोलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यही जो है 64 बिट और 32 बिट में डिफरेंस है कि अगर आपके पास 64 बिट सिस्टम है तो 64 बिट आपका ऐप भी या एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर बोल लीजिए वो सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करता है तो बेसिकली आपका जो है किसी काम का नहीं रहा है 64 बिट सिस्टम। आपको 4 GB से ज़्यादा चाहिए तो आप 64 बिट ऑब्वियसली जा सकते हैं। आजकल वो जितना भी मॉडर्न अब आ रहा है सिस्टम सब 64 बिट पे आ रहा है। चिंता नहीं कीजिए, अगर आप लैपटॉप खरीदने या कंप्यूटर खरीदने जाइएगा अभी तो सब 64 बिट ही होगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो छोटा सा है, अगर आपको समझ में आ गया होगा कि 64 बिट 32 बिट क्या होता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पीस।